उसको हैक किया जा सकता है, और उसको हैक करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके सोचे जा सकते हैं। कौन किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है ये अलग बहस है, लेकिन जब हम यहाँ से बैठ करके चंद्रयान और मार्स के ऊपर मिशन को कंट्रोल करते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती की बात नहीं हो सकती साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि कहा जाए कि ये ईवीएम जो छोटा सा डिब्बा है ये हैक नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की तो हमारे मुल्क में बहुत सारी बराबरियों का जिक्र किया गया, हमारी गैर बराबर सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बराबरियों की बात की गई। हमें सिर्फ एक बराबरी मिली और वो बराबरी थी वोट की। जिस वक्त वोट डाल रहे होते हैं उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या अंबानी अडानी हो, एक स्वीपर हो या मेरे जैसे कोई आदमी हो, वो बराबर होते हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इस बदलाव को लगातार सेबोटाज करने की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और आपकी फोर्सेस की तरफ से कोशिश की जाती है। ईवीएम आज जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, मैं उस एक बराबरी जो हमें मिली थी उसके ऊपर से हमला समझता हूँ और इसलिए हमें उसको बचाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, मैं कई बार लिख चुका हूँ इसके ऊपर लगातार लिखता रहा हूँ, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई 500 करोड़ दे और फिर कहे कि ईवीएम हैक करो, तो मैं उनको तलाश करूंगा जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि नुक्कड़ के किसी दुकान से मैं किसी टेक्नीशियन को जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयर करता है वो उसको तलाश करूंगा। बेस्ट ऑफ द माइंड्स होंगे, बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस होंगे उसमें और बेस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस उसके अंदर। तो ये हैकिंग जो है वो इस तरह से नहीं हो रही है कि कुछ लोगों ने कुछ बदल दिया, इधर उठा लिया उधर उठा लिया, बल्कि हैकिंग करने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होगी। मैं सिर्फ दो तीन स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ, एक लंबी लिस्ट है उन स्टेप्स की। मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि उन लोगों को खरीदूँगा जो मीडिया को खरीद सकते। दूसरा काम मैं ये करूँगा कि उन लोगों को खरीदूँगा जो माहौल बनाते हैं, कौन किसको जिता रहा है, कहाँ कौन जीत रहा है, किस पार्टी को वगैरह वगैरह कितने वोट मिलने जा रहे हैं, उन लोगों को ये माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये देखने की कोशिश करूँगा कि कहाँ मेरी पार्टी जिसने मुझे 500 करोड़ रुपया दिया है वो जीतती रही, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुझे इंटरवीन करने की ज़रूरत है। जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुझे इंटरवीन करना है उनको आइडेंटिफाई करूँगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी वो बूथ आइडेंटिफाई करूँगा जिस बूथ के ऊपर मैं बराबर की टक्कर में हूँ किसी और के साथ। तो धीरे 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 मैं टेबल के ऊपर ये सारा काम करने के बाद कैंपेन शुरू करूँगा। और अगर हैक करने का तरीका रिमोट कंट्रोल से है तो जिन लोगों को मैं हैक करने के लिए इस्तेमाल करूंगा उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें हैक करना है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वहां जाकर के 500 मीटर के अंदर से रिपोर्टिंग करने से पहले ये वाला बटन ऑन करो। आज की टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज है दुनिया में उसमें 10 से 15 की से ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत मुझे है ही नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, बाकी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये खतरा बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ कि इससे लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है। ये मान लीजिए कि 500 करोड़ हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं कर रही, बीजेपी भी नहीं कर रही, मैं मानने को तैयार हो सकता हूँ, लेकिन 500 करोड़ या 1000 करोड़ ISI के लिए कोई बड़ा, चाइना अगर इंटरवीन करना चाहता है तो उनके लिए बड़ा पैसा, और CIA जिसको हमेशा यही काम दिया गया कि दूसरे कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करो और उसका जो भी करना है किया जाए, जिस सरकार को बिठाना है बिठाए।
बढ़ाया जाए, उनके लिए भी इतना बड़ा पैसा है और ना टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो उनकी दस्तरस से बाहर हो, खतरा बड़ा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं उसका सबको समर्थन करना चाहिए।